नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वर्कआउट वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक परफेक्ट पुशअप्स किस प्रकार से की जाती हैं। मैं आपको बताऊँ कुछ बेसिक्स तरीके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पुशअप्स करते समय हमारी कौन कौन सी मसल्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं? सबसे पहले तो आपका शोल्डर और आपका ट्राइसेप्स मसल्स इसमें काम करता है। तो दोस्तों, आप पुशअप्स करते समय अपने हाथों को ज़्यादा क्लोज भी नहीं रख सकते और ज़्यादा वाइड, जैसे कि ये आप ज़्यादा वाइड यानी कि ज़्यादा दूर भी नहीं रख सकते। परफेक्ट पुशअप्स के लिए आपके हाथों के बीच का डिस्टेंस कुछ इस तरह से, आप अपने शोल्डर से थोड़ा सा बाहर अपने हाथों को रख सकते हैं, कुछ इस तरह से। दोस्तों, पुशअप करते समय आप ध्यान रखें कि आप अपनी चेस्ट मसल्स को अपने हाथों से आगे नहीं रख सकते, कुछ इस तरह से। अगर आप अपने चेस्ट मसल्स को आगे रखोगे तो आपका ट्राइसेप्स मसल्स ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, और आप कुछ इस तरह से अपने चेस्ट मसल्स को पीछे भी नहीं रख सकते, जैसे कि ये, तो इसमें आपका शोल्डर्स ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, तो ये एक परफेक्ट पुशअप नहीं होगी। एक परफेक्ट पुशअप्स के लिए दोस्तों, आप अपने चेस्ट को अपने दोनों हाथों के बिल्कुल बीच में लाएं, कुछ इस तरह से। और दोस्तों, स्लोली आप नीचे जाओगे बिल्कुल आराम से, और ऊपर आने के बाद अपने हाथों को आप बिल्कुल टाइट रखोगे, बिल्कुल स्क्वीज कराओगे, कुछ इस तरह से, जैसे कि आप ये नीचे गए, आराम से आप ऊपर आके अपने हाथों को बिल्कुल टाइट करोगे। अगर आपने अपने हाथों को टाइट नहीं करोगे कुछ इस तरह, जैसे कि आप ये नीचे से इतना ऊपर आओगे, तो इसमें फिर आपका ट्राइसेप्स मसल इन्वॉल्व होगा। दोस्तों, कोई डायग्राम आपको दिख रहे होंगे, इनकी मदद से भी आप एक परफेक्ट पुशअप सीख सकते हो। दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हो, और अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो बस यहीं तक के लिए थी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं आने वाली एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।